Hey guys, welcome back to my channel Ruchi Style Corner. If you are watching me for the very first time, hi, my name is Ruchi और मैं बहुत अलग अलग तरह के videos बनाती हूँ जैसे कि DIY, makeup tutorial, makeover, lifestyle, organization, dance tutorial, etc. etc. Title से देख के आपको समझ में आ गया होगा कि आज का video किस topic के ऊपर है. आज मैं shopping haul लेकर के आई हूँ जो कि है home center और थोड़ा बहुत home town का है. So yes, without further ado, let's just get started. एंड आप लोगों को पता तो चल ही चुका है कि मेरे घर का थीम क्या है, गोल्डन एंड व्हाइट कलर का. तो सारे प्राइस के साथ और कौन सी चीज मैंने कहां से ली है वो सब मैं इस हॉल में आप लोगों के साथ शेयर करूंगी. सो या विदाउट फर्दर डू लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड. तो सबसे पहला प्रोडक्ट जो है वो मैं लेकर के आई हूँ ये. तो बेसिकली ये टी लाइट कैंडल होल्डर्स हैं. मेरे पास ऐसे दो का पेयर ऑलरेडी है और मुझे दो और चाहिए थे, तो ये मैंने ऑनलाइन मंगवाया है क्योंकि मुझे ये ऑफलाइन स्टोर्स पे नहीं मिल रहा था. बेसिकली ये दिवाली का कलेक्शन है तो इसलिए स्टोर्स पे अवेलेबल नहीं है, बट ऑनलाइन मुझे ये इजिली मिल गया. तो इसका जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंशन कर दूंगी. ये बहुत ब्यूटिफुल लगता है, आप देखिए इसको पास से, ये बहुत सुंदर लगता है, इसकी फिनिशिंग बहुत सुंदर है. एंड ये सिर्फ मुझे 249 रुपीज़ में मिले हैं और इसमें कोई भी डिस्काउंट ना तब था ना अब है, बिकॉज ये ऑलरेडी काफ़ी अफोर्डेबल प्राइसेस में है. सेकेंड जो प्रोडक्ट लिया है वो मैंने ली है ये ट्रे. बेसिकली ऐसी ट्रे मेरे पास एक और थी, बट वो अनफॉर्चुनेटली उसकी जो यहाँ की वुड थी वो टूट गई थी क्योंकि मैंने उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा हैवी सामान रख के उठा लिया था. तो ये वाला जो ट्रे है ये मैं होम टाउन से लेकर के आई हूँ. ये आफ्टर डिस्काउंट मुझे 650 रुपीज़ की मिली है, अदरवाइज इस तरह की वुडन ट्रेस काफ़ी कॉस्टली आती हैं. तो डिस्काउंट चल रहा था तो इसलिए मुझे ये 650 में ईजिली मिल गई थी. नेक्स्ट प्रोडक्ट मैं लेकर के आई हूँ वो ये है. दिस इज़ अ राइस लाइट. और इस तरह की राइस लाइट आपको होम सेंटर में भी मिल जाएगी, आपको होम टाउन में भी मिल जाएगी, बट मैंने ये वाली जो लाइट्स है ये मोर से परचेस किया है और ये मुझे मिली है 350 रुपीज की मिली है. दिस इज 10 मीटर्स लाइट, तो काफी लॉन्ग है ये, अभी तक मैंने इसको ओपन नहीं किया है. नाउ नेक्स्ट प्रोडक्ट इज दिस. ये मैंने होम सेंटर से परचेस किया है और इसका जो एक्चुअल प्राइस है दैट इज 999 रुपीज, बट ये मुझे आफ्टर डिस्काउंट में 700 या 600 कुछ में मिल गया था. और मैं आपको दिखाती हूँ. सो दिस इज बेसिकली अ डाइनिंग टेबल मैट्स है. ये 6 मैट का सेट है, ये 6 मैट का सेट है और ये बहुत ही ब्यूटिफुल एंड प्रिटी लग रहा है. मैं आपको पास से दिखाती हूँ. बेसिकली मुझे रनर चाहिए था अपने डाइनिंग टेबल के लिए, बट अनफॉर्चुनेटली मुझे इस टाइप का सीक्वेंस वाला रनर नहीं मिल रहा था. ऑनलाइन मिल रहा था बट आई वॉज नॉट श्योर कि उसका सीक्वेंस कितना स्ट्रांग रहता और वो चीप तो नहीं लगता उसका गोल्डन कलर ऐसा, तो मैंने इसलिए ऑनलाइन नहीं लिया. और मैं इस तरह के मैट्स लेकर के आई हूँ तो मैं इसका कुछ ना कुछ तो कर ही लूंगी. नेक्स्ट आते हैं कुशन कवर के ऊपर. तो ये वाले जो आप कुशन कवर देख रहे हैं व्हाइट कलर के, ओके, तो देखिए इसमें बहुत ही सुंदर सी डिटेलिंग दी हुई है. तो ये वाले जो व्हाइट कुशन कवर्स हैं ये मैं लेकर के आई हूँ होम टाउन से. ये मैं दो लेकर के आई हूँ, इसमें कोई डिस्काउंट नहीं था और इसका प्राइस है 399 का. ये मुझे एक मिला है, थोड़ा कॉस्टली है बट क्वालिटी इसकी बहुत ज़्यादा अच्छी है और ये आई थिंक हर कलर के थीम के साथ जाता ही जाता है, इसलिए मैंने ये दो लिए हैं. उसके बाद आते हैं इन कुशन कवर्स पे. तो ये कुशन कवर्स एग्जैक्टली मैचिंग है, मेरा जो डाइनिंग टेबल वाले मैट है उससे एग्जैक्टली मैचिंग है, बट मैंने ये होम सेंटर से नहीं लिया है, ये मैंने लोकल स्टोर से लेकर के आई हूँ. एंड इट इज़ वेरी गुड इन क्वालिटी, इसकी क्वालिटी बहुत बहुत अच्छी है और इसका जो सीक्वेंस है वो भी काफ़ी अच्छा है. सो आई थिंक दिस इज़ ये बहुत ही अच्छी, जो मेरे दिमाग में थीम चल रही थी उससे परफेक्टली मैच हो रहा था, इसलिए मैं ये लेकर के आई हूँ. बट एक्चुअली ये जो थे ये 5 का पीस मुझे मिला था और ये मुझे मिला था 1000 रुपीज़ में, 5 मिला था, काफ़ी अफोर्डेबल है. 1000 होम सेंटर होम टाउन पर कहीं पर भी इतना सस्ते कुशन कवर्स मिलते नहीं हैं. 1, 2, 3, 4, 5, ओके, तो ये मेरे को 5 मिले थे और मेरे घर में 8 कुशन्स हैं, तो 5 है और 2 में ऑलरेडी डला हुआ है गोल्डन एंड वाइट. तो मुझे कुछ 5 में, मतलब मैं इसमें 4 यूज़ करूंगी, 1 मैं कहीं और रखूंगी और वो 2 कंसिडर करके, ऐसा मैंने, मतलब ऐसा मेरे दिमाग में चल रहा था. जब भी मैं कोई मेकओवर करती हूँ या कुछ थीम सोचती हूँ अपने घर के बारे में, तो ऐसा नहीं है कि आज सोचा कल जा करके लेके आ गए परसों मैंने कर दिया. एटलीस्ट 1-2 मंथ से मेरे दिमाग में वो चलना स्टार्ट हो जाता है और उसके अकॉर्डिंग मुझे बजटिंग प्लान करनी पड़ती है, क्योंकि भले ही मेकओवर 5 से 10 हज़ार के बीच में हो जाता है बट स्टिल बाकी चीज़ों को फिर साइड में रख के बजटिंग मुझे उस हिसाब से प्लान करनी पड़ती है.
तो यस फ्लावर वास। एक्चुअली इसको लेने के लिए मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज थी कि क्या कलर के फ्लावर्स लिए जाएं या क्या कलर का वास लिया जाए। मैं उसमें बड़ी कंफ्यूज हो रही थी। देन होम टाउन भटकी, होम सेंटर गई और भी लोकल स्टोर्स पे भी मैंने देखा, बट मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। और वो बजट मतलब अभी ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि 3000 का आ जाए वास, आपको पता ये काफी ज्यादा कॉस्टली आते हैं। फिर मुझे फाइनली जाकर के ये पसंद आया एंड ये बहुत रॉयल और बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है। मेरा बेसिकली था कि मैं कुछ इस तरह का कलर लूं जो सब के साथ, मतलब मुझे बार बार अपना वास चेंज करने की जरूरत ना पड़े। बहुत सारे लोग मुझसे ऑलरेडी ये क्वेश्चन करते हैं कि अभी मैं जब थीम चेंज करूंगी तो ये वाले जो कर्टेन है ये कहाँ चले जाएंगे ये कलर। तो गाइज ये वाला मेरा बेसिक कलर रहने वाला है, मतलब जो हमेशा रेगुलर यूज वाला रहेगा ना वो यही कलर रहेगा। ये वाला मैं कभी कभी लगाऊंगी एज अ पार्टी वेयर थीम है और ये बहुत वाइटिश वाले कलर्स हैं और ये डेली यूज में तो हम यूज नहीं कर सकते, इतने कंफर्टेबल भी नहीं रहेंगे। तो ये वाला कलर, बट गोल्डन कलर इज लाइक कि ये हर चीज के ऊपर जाएगा, बहुत सुंदर लगता है ये। तो मैं ये लेकर के आई हूँ और ये काफी बड़े साइज में है और ये मुझे मिला था 1199 में। गोल्डन कलर की थीम पे या गोल्डन कलर के किसी भी मटेरियल पे कहीं पर भी कोई भी डिस्काउंट नहीं था, बट ये बहुत सुंदर लग रहा था। और इसके ऊपर की फ्लावर स्टिक मैं नहीं लेकर आई हूँ बिकॉज मेरा बजट था कि 500-600 तक का आ जाएगा ये, बट ये काफी महंगा आया, 1200 रुपए का आया है। तो मैंने कोई भी स्टिक्स नहीं ली है, जो मेरे पास पुरानी फ्लावर की स्टिक है मैं वही इसमें यूज करने वाली हूँ, मेन पार्ट जो कि है कर्टेंस का। तो इस बार जो मैं कर्टेंस लेकर के आई हूँ दे आर माय एब्सोल्यूट फेवरेट। ये एक्चुअली कैमरे पे इतने अच्छे से कैच नहीं होंगे क्योंकि ये वाइट लगेंगे। मैं आपको पास से जूम करके इसमें दिखाती हूँ। दिस इज द कर्टेन और आप इसमें जो डिटेलिंग देख रहे हैं छोटी छोटी जो यहाँ पर दी हुई है शिमरी एंड गोल्डनिश कलर का, की थीम का मेरा काफी टाइम से मन था, बट मैं बहुत कंफ्यूज हो रही थी कि उसके ऊपर कर्टेंस कैसे जाएंगे। मैंने बहुत सारे कर्टेंस देखे हैं, बहुत सारे कर्टेंस देखती थी मैं, बट मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। देन फाइनली मुझे एक स्टोर पे थाने वेस्ट में हीरा नंदानी मिडोज में एक फर्निशिंग की शॉप है, काफी थोड़ा सा कॉस्टली देते हैं वो, बट उनके पास कर्टेंस की अमेजिंग अमेजिंग रेंज है, बहुत ज्यादा अमेजिंग रेंज है। उनकी शॉप का नाम अगर मुझे याद आता है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। मतलब वो लोकल टाइप का स्टोर ही है, बट उनके पास रेंज वॉज वेरी वेरी अमेजिंग। थोड़े से कॉस्टली है बट क्वालिटी वर्थ है उनकी। मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि जो होम सेंटर के कर्टेंस हैं उससे ज्यादा अच्छी क्वालिटी मुझे इसकी लग रही थी। मुझे एक व्हाइट एंड गोल्डन कर्टेन पसंद आया था होम सेंटर में, बट वो दो कर्टेन 3000 का था। यार 3000 रुपए के दो कर्टेन बहुत ज्यादा महंगे हो जाते हैं। तो आपने देखा ना कि इसमें कितना सुंदर सा गोल्डन गोल्डन सा रिफ्लेक्शन आ रहा है जो कि बहुत सुंदर लग रहा है, बहुत सुंदर लगेगा ये हैंग करने के ऊपर, ऐसा मैंने इमेजिनेशन किया। और उसमें बीच में जो नेट वाला कर्टेन है वो मैं ये लेकर के आई हूँ। ओके ये मैं लेकर के आई हूँ। तो ये व्हाइट एंड गोल्डन है तो ये उसके ऊपर बहुत सुंदर उठ के आएगा, ऐसा मैंने सोचा था, ऐसे मेरे दिमाग में चलता था। तो ये मुझे फाइनली मिला, ये उस स्टोर पे नहीं मिला था। ये वाले जो कर्टेन है ये यहाँ पर ही थाने वेस्ट में मानपाड़ा में डेकोरेक्स या डेकोरेक्स करके ऐसी कोई कुछ तो भी शॉप है, मैं उसका नाम नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन करती हूँ। ये दोनों कर्टेन्स मैं वहां से लेकर के आई हूँ। तो इनका जो प्राइस है यहाँ स्क्रीन पे मैं मेंशन कर दूंगी क्योंकि मुझे एग्जैक्ट प्राइस बिल में देखना पड़ेगा, मुझे याद नहीं है एग्जैक्ट प्राइस क्या है। तो दो दो के पेयर में ये कर्टेन मिलते हैं, मतलब ये दो का प्राइस मैं एक साथ यहाँ पर मेंशन करूंगी और इन दो का जो प्राइस होगा वो मैं एक साथ यहाँ पर मेंशन करूंगी। नेक्स्ट आते हैं इस रग के ऊपर। तो ये बहुत ही सॉफ्ट एंड ब्यूटीफुल सा रग है और ये काफी बड़ा है एंड द क्वालिटी इज वेरी वेरी थिक, बहुत थिक, बहुत ज्यादा थिक रग है। मतलब इसके ऊपर बैठने में ही बहुत कोजी सा लगता है, इसका मन नहीं हो रहा है मुझे कि मैं उसके ऊपर पैर रखने वाला ऐसे यूज करूं। सो दिस इज वेरी कोजी। और इसमें मुझे कलर ब्राउन मैंने इसलिए लिया, ऑल्दो मेरे घर में कुछ भी ब्राउन नहीं है, बट लेट्स सी, मैंने सोच रहा था कि कुछ ना कुछ तो मैं कर ही लूंगी इसके साथ। और ये इतना परफेक्ट था और डिस्काउंट के बाद हमको 50% डिस्काउंट के बाद तो ये हम लोग लेकर के आए हैं और ये हम होम टाउन से लेकर के आए हैं, विक्की को बहुत पसंद आया था। अभी जो नेक्स्ट सबसे बड़ा जो बड़ी चीज लेकर के आई हूँ वो मैं आपको दिखाती हूँ। नेक्स्ट प्रोडक्ट लेकर के आए हैं हम लोग वो ये है एक्सेंट फर्नीचर। अब आप सोच रहे होंगे एक्सेंट फर्नीचर क्या होता है। सो बेसिकली एक्सेंट फर्नीचर वो होते हैं जो आपका घर का फर्नीचर होता है उसमें एक अलग सा और यू नो यूनिक सा प्रोडक्ट होता है, दैट इज कॉल्ड एज एक्सेंट फर्नीचर। और मेरा बड़ा मन है कि मेरा कभी भी खुद का घर होगा या मैं
तो मेरे घर में एक अलग सी एक्सेंट चेयर हो बहुत शानदार सी एंड ऑल दैट, तो वो सब बात की बात है. तो ये दिस इज एक्सेंट फर्नीचर बेसिकली. और हम लोग पहले बहुत पहले विक्की और हम जब होम सेंटर, आपको पता ही हम लोग जाते हैं वी आर फैन ऑफ होम सेंटर प्रोडक्ट, तो हम लोग जब गए थे तो विक्की को ये काफ़ी पसंद आया था. बट एक्चुअली इसका प्राइस बहुत ज़्यादा था, 9,700 rupees. तो क्या होता है जब आप स्टोर पर जाते हो तो वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो जो नो के जो डिस्प्ले प्रोडक्ट्स होते हैं ना उसमें कभी कभी डिफेक्ट आ जाता है, तो ये लोग उसको सेल पे निकाल देते हैं. तो ऑनलाइन कहीं पे भी इसका डिस्काउंट इस तरह का शो नहीं होगा, बट ये एक्चुअली में जो स्टोर्स पे डिस्काउंट रहता है ना ये वो था. तो आपने हमारे घर में जितना भी बहुत सारे फर्नीचर्स ऐसे हैं जो ऐसी क्लियरेंस सेल में आए हैं या डिस्प्ले डिस्काउंट मिल जाते हैं, तो उनमें बहुत माइनर डिफेक्ट्स होते हैं जो दिखते नहीं है और इजीली रिकवर हो जाते हैं. तो इसमें भी बहुत माइनर डिफेक्ट्स थे जो दिख नहीं रहे थे, बट वो इजीली मैंने आकर के उसको सॉल्व कर दिया. मतलब अभी कोई भी थर्ड पर्सन आएगा अगर मैं उसको बताऊंगी नहीं कि हाँ ये डिफेक्ट था, वो पहचान भी नहीं पाएगा कि इसमें कुछ डिफेक्ट था. तो वी वर लाइक, और इसका प्राइस था 7,000 rupees. तो विक्की बोलता है चलो ले लेते हैं. सो वी वर लाइक ठीक है ले लेते हैं. वाइट इन कलर है, बहुत ही बहुत सॉलिड और बहुत हैवी मटेरियल का है और इसका लुक बहुत अच्छा है. तो मैं प्रॉपर इसकी जो इमेज है ताकि आपको समझ में आए वो मैं डाल दूंगी यहाँ पर. एंड ये लास्ट प्रोडक्ट है जो हम लेकर के आए होम सेंटर से. और सो यार दैट्स इट. और ये थी मेरी सारी होम सेंटर, होम टाउन और छोटी मोटी कहीं कहीं शॉप्स की शॉपिंग. आई होप यू ऑल लाइक इट. इफ यू डू सो देन डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड कॉमेंट डाउन बिलो. और मैं मिलती हूँ आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन बाय.